उपाय विभाग। दर्शकों, आज मैं आपको विद्या प्राप्ति का बहुत ही असरदार उपाय बताऊंगा। दर्शकों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी अभ्यास से जुड़े हुए अपने कार्यों में गंभीर होते हैं, प्रामाणिकता से पढ़ाई करते हैं, लेकिन ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुसार और परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलता। शिक्षा और अभ्यास के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आज बताया गया उपाय बहुत ही असरदार साबित हुआ है। विद्यार्थियों को यह उपाय मंगलवार के दिन करना होता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार के दिन विद्यार्थी वर्ग को नजदीकी हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर, चोला और तेल अर्पण करना है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद विद्यार्थी वर्ग को हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा का दान करना चाहिए। इस ध्वजा को मंदिर के ऊपर चढ़ाने से पहले इस ध्वजा के मध्य भाग में बड़े अक्षर से श्री राम लिखें। श्री राम लिखने के बाद उसके नीचे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ऐसा लिखकर उस ध्वजा के ऊपर थोड़ा सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद में यह ध्वजा मंदिर के ऊपर चढ़ाने चाहिए। दर्शकों, यदि विद्यार्थी वर्ग मंगलवार के दिन यह उपाय करता है, उसके बाद में नियमित रूप से हर मंगलवार के दिन उस हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना या आरती करता है, तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातक की एकाग्रता, आत्मविश्वास और याद शक्ति में, स्मरण शक्ति में बहुत ही अच्छा सुधार होता है। विद्यार्थी वर्ग अभ्यास के क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्राप्त करके अपने भविष्य को या कारकिर्दी को उज्ज्वल बना सकता है। दर्शकों, उपाय विभाग में आज मैंने आपको विद्या प्राप्ति का